अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस S11 डिवाइस को ऑपरेट करने का तरीका बताऊंगा कि इसके फंक्शंस किस किस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं कि इसको ऑन किस तरह किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसका एक ये बटन है और ये वाला बटन, ये दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन हो गया। उसके बाद सबसे पहले आप जाहिर सी बात है इस डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। तो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको इसको पेयरिंग मोड में लेके जाना पड़ेगा। तो ये वाला बटन आप चंद सेकंड्स तक दबा के रखेंगे तो ये पेयरिंग मोड के अंदर चले जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से तेज़ लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में चले गया। तो जब ये पेयरिंग मोड में चले जाएगा तो ये आपके मोबाइल का जब आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा इसका S11 डिवाइस आपको शो हो जाएगी। आप उसको कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपने सर्चिंग करनी है तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि आप सर्चिंग किस तरह करेंगे। इसको मैं एक दफ़ा बंद कर लेता हूँ वापस, ये दोनों बटन दबा के ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो गई। इसको वापस ऑन कर लेंगे, ये डिवाइस ऑन हो गई हमारी। अच्छा, उसके बाद आपने पेयरिंग सर्चिंग करनी है। अगर अदर डिवाइसेस किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते वक्त आपको अगर सर्चिंग में जाना है तो ये वाला आपका बटन है एलिमेंट जिस पे बना हुआ है, इसको आप चंद सेकंड तक दबा के रखेंगे तो ये सर्चिंग में चले जाएगा। आप देखें, सर्चिंग का मतलब है कि स्लो ब्लिंक होती है लाइट। तो जब लाइट स्लो ब्लिंक हो रही हो जिस ऑप्शन से, तो समझ जाएंगे वो सर्चिंग का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के थ्रू आप दूसरे डिवाइस के साथ इसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इसके मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस के। इसको फिर एक दफ़ा मैं बंद कर लूँ। अब ये इसकी नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये माइक्रो एसडी कार्ड का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये यूएसबी चार्जिंग केबल का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपकी इसमें चार्जिंग पोर्ट है। उसके बाद ये ऑक्स केबल का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। रेडियो वगैरह अगर आप अलग से आपको इसमें सुनना है तो ये ऑक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे इसका माइक्रो एसडी कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, अगर टॉप साइड की इसकी अगर हम बात करें, अच्छा ये टॉप साइड है इसकी। अच्छा, टॉप पे आप देख रहे हैं कि एक प्लस माइनस का बटन है, एक पावर ऑन ऑफ का बटन है और एक कैमरे का बटन बना हुआ है। तो प्लस माइनस के बटन का फंक्शन ये है कि अगर आप बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो ये वॉल्यूम डाउन होगा इससे सिंगल प्रेस पे। प्लस को सिंगल प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम अप होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो ट्रैक चेंज हो जाएगा। चाहे माइनस का, अगर माइनस का बटन दबाएंगे और दबा के रखेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड तक तो आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। इसी तरह प्लस का बटन दबा के चेंज करेंगे तो ट्रैक ऊपर नीचे होगा। तो ये इसका फंक्शन है इन दो बटन्स का। उसके बाद ये जो पावर का बटन है, ये इसके कैमरे का फंक्शन का बटन है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं पावर का बटन चंद सेकेंड्स तक दबा के रखूँगा तो इसका ये कैमरा ऑन हो गया। इसके कैमरे का फंक्शन बिल्कुल अलग है, डिवाइस का जो इंटरकॉम और म्यूज़िक का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये हमारा कैमरा ऑन हो गया इस वक्त। अब हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें जस्ट वन टैप करना है इसको, ये बटन को, और ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये देखें ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग ऑन है। जब आपने इस हेलमेट को पहना हुआ होगा तो आपको अंदर आवाज़ भी आएगी कि रिकॉर्डिंग ऑन, जब ये आप बटन प्रेस करेंगे तो अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर डाला हुआ है, वो बोलती है अंदर जो भी इसके ऑपरेटर है कि डिवाइस रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक है, इसको आप दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। इसी तरह ये साइड पे एक बटन दिया हुआ है इसके, ये कैमरा बना हुआ है जिस पे ये पिक्चर खींचने का है, इसको आप दबाएँगे तो ये इससे पिक्चर खींचेगी। ठीक है, तो ये इसका कैमरे का फंक्शन है। अब मज़ीद इसके अंदर ये इन्होंने 2K कैमरा दिया हुआ है, ये देखें इसका, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं पोजीशन को अपने हिसाब से, जैसे चाहें मूव 360 मूव करता है ये। तो कैमरा देखें, अभी ऑन है इसका अलग, डिवाइस ऑफ है। इसकी डिवाइस भी मैं ऑन कर लेता हूँ साथ साथ। ठीक है, अभी डिवाइस भी ऑन हो गई है, कैमरा भी अभी इस वक्त ऑन पोजिशन में है। तो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेशन है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है आपको कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ये जो इसका माइक लगा हुआ है बिल्टन हेलमेट के अंदर है, ये आपको अगर दिख रहा हो ये माइक, तो रिकॉर्डिंग इसी से हो जाएगी।
आपको रिकॉर्डिंग के लिए कोई अलग से इसके अंदर अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यही एक माइक जो है वो रिकॉर्डिंग भी करेगा, और आप जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरकॉम के दौरान, तो ये वो भी काम करेगा माइक। अच्छा, इसमें एक चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, वो ये है कि इस कैमरे की सेटिंग के लिए आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल के अंदर, उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है। इसके अंदर एक ब्रोशर मौजूद होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। पहले एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूँ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप इस कैमरे को उस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको वाईफाई ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये आपने देखा था कि मैंने इसको यहाँ से ऑन किया था, तो ये ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको अगर वाईफाई पे लेके जाना है तो जस्ट वन टैप इसको करेंगे, पावर का बटन, ये ब्लू लाइट चल गई। अब ये वाईफाई इसका ऑन हो गया है, इसका मतलब। तो जब आप एप्लीकेशन इसके अंदर डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप से, जहाँ जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसके बाद जब आप इसको कनेक्ट करना चाहेंगे प्लेबैक देखने के लिए कि यार वीडियो कैसी बनी है या पिक्चर कैसी खींची है, तो आपको ये जब ये पावर ऑन होगी कैमरे की, तो आपको एक दफ़ा इसको टैप करना पड़ेगा और ये फिर वाईफाई मोड में चले आएगा और वो आपकी जो ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो वो मैं आपको चीज़ करके भी दिखा देता हूँ कि वो प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये ब्रोशर है जो आपको बॉक्स में मिलेगा। इस ब्रोशर के अंदर जब आप अंदर जाएंगे तो ये आपको, ये देखें, ऐप डाउनलोड का तरीका इन्होंने दिया हुआ है। ये इस बार कोड को आपने स्कैन करना है अपने मोबाइल स्कैनर से। अगर मोबाइल में स्कैनर नहीं है तो आप एप्लीकेशन स्कैनर की अलग से डालना पड़ेगी। जैसे कि मेरे मोबाइल में भी स्कैनर नहीं था, तो मैंने अलग से एप्लीकेशन डाली इसके अंदर अपने मोबाइल में। ये देखें, ये बारकोड स्कैनर की ऐप है जो मैंने अपने मोबाइल में डाली है। तो मैं इससे बारकोड को स्कैन करूँगा और ये आपको लिंक पर ले जाएगा। ये देखें, ये स्कैन हो गया। अभी ऊपर आपको लिंक दिखा रहा है कि आप डाउनलोड लिंक है, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो अभी ये खुल जाएगा लिंक हमारे पास। ये देखें, ये लिंक खुल गया है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं इसको अब कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये इस तरीके का इसका आइकॉन है, हेलमेट बना हुआ है, ए वीडियो। तो ये एप्लीकेशन हमारी खुल गई है, ठीक है। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए पहले हम डिवाइस ऑन कर लेते हैं। डिवाइस ऑन हो गई। डिवाइस ऑन होने के बाद एक दफ़ा और हम इसके बटन को दबाएंगे ताकि इसका वाईफाई ऑन हो जाए। ये देखें, इसका वाईफाई ब्लू हो गई, ये वाईफाई ऑन हो गया है। अब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वाईफाई के ऊपर चले आएगा। ओके, और ये आ गया मोटो डीवी, ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, डन। अब आप ये देख सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये कैमरा हमारा एप्लीकेशन से कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ से इसकी सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं, जो भी इसकी रेजोल्यूशन है, मेगापिक्सल है कैमरे का, और एक्स वाई जेड सारी सेटिंग्स ये आप इससे कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लेबैक लाइव व्यू देख सकते हैं आप कैमरे का, और प्लेबैक देख सकते हैं एसडी कार्ड में आपने जो वीडियोस बनाई हुई हैं तो उसका प्लेबैक भी देख सकते हैं। ये देखें, जैसे कि आज मैंने ये इसकी वीडियो बनाई थी इसके अंदर, तो ये कार्ड में मौजूद है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये इस ऐप को कनेक्ट इंस्टॉल करने और कनेक्ट करने का तरीका है इसके अंदर मोबाइल में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ना समझ आए फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक छोटी सी इस ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।